So, part three of our constitution contains the fundamental rights, which are from article 12 and 35, 12 to 35. तो अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना फंडामेंटल राइट्स पढ़ के, कि अब विच राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. तो अब बेसिकली अगर लेमेन टर्म्स में देखोगे तो बहुत सारे वे में यू कैन थिंक कि अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट हेल्प पीपल इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और गिव पीपल डिग्निटी और हेल्प देम लिव विद डिग्निटी. बट अगर मतलब टेक्निकली अगर यू विल गो थ्रू, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स का, कि ऑल दोज राइट्स विच आर इन पार्ट थ्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल राइट्स. क्योंकि पार्ट थ्री जो है वो डेडिकेटेड है फंडामेंटल राइट्स के लिए. तो पार्ट थ्री के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में आए. जो पार्ट थ्री में नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आए. तो ये चीज का, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का यूटिलाइज यू कैन डू आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर मान लो कोई एमसीक्यू आया या क्वेश्चन आया कि डज दिस राइट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट्स, या इज दिस राइट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो सबसे पहले जो देखना है ये है कि क्या वो राइट पार्ट थ्री में मेंशनड है. अगर मेंशनड है तो हाँ वो फंडामेंटल राइट है, अगर वो मेंशन नहीं है तो फंडामेंटल राइट नहीं. जैसे कि राइट टू वोट, अगर किसी नॉर्मल आदमी को पूछोगे किसी को भी कि क्या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, तो बेसिक अगर लॉजिकली देखना चाहोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ, हर किसी को तो राइट टू वोट मिलना चाहिए आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज, तो वो तो फंडामेंटल राइट के अंदर आना चाहिए. बट हमारा पार्ट थ्री राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन नहीं करता है, तो इसलिए वो आउट ऑफ पार्ट थ्री है, तो इसलिए वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा. तो ऐसे ही जितने भी राइट्स हैं, जैसे आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी नहीं है हमारा पार्ट थ्री के अंदर, तो हाँ इसलिए बिल्कुल, वो सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहेंगे. तो ये एक स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में रखना है फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक. और दूसरा हो गया कि मतलब ये वाला चीज हो गया. अब देखो क्या क्या नेचर हो सकता है फंडामेंटल राइट्स, मतलब व्हाट आर द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो अगर मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स देखोगे, तो अगर उसके स्टेटमेंट्स देखोगे 12 से 35 की, तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऐसे मतलब ये वाला वर्ड जरूर कंटेन करते हैं कि द स्टेट्स आर नॉट, ठीक. हाँ तो अब ये द स्टेट्स आर नॉट, ये नॉट वर्ड के यूज से वो कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव स्टेटमेंट के तौर पे इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छा ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. तो ये क्या है, और अगर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी पढ़ा है, और ऐसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट भी होता है प्रियम्बल से, तो वी द पीपल से होता है. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू डू फॉर द पीपल एंड व्हाट द गवर्नमेंट कांट डू फॉर द विद द पीपल और फॉर द पीपल. तो ये वो एक तरह से डायरेक्शंस दे रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट को बेसिकली. तो अब जो है फंडामेंटल राइट्स क्या दिया रहा है, फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिया गया है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो है, ताकि स्टेट जो है वो एब्सोल्यूटिज्म या फिर वो एब्सोल्यूट पावर के तौर पे ना ही मर जाओ, जो कि मोस्टली डिक्टेटर जिस देश को डिक्टेटर रूल करते हैं, जैसे तुम्हारा नॉर्थ कोरिया हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं मिडिल ईस्ट में थे, तो वो सारे वहां पर जो हेड होते हैं वो एब्सोल्यूट पावर टेन कर लेते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं पीपल का जो राइट है वो कटेल होता है. तो उसी के लिए स्टेट, तो यहाँ पर तो हम लोग तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है हम लोग अपने हेड को इलेक्ट करते हैं, रिपब्लिक भी है. तो इसीलिए इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जो पीपल को स्टेट का एब्सोल्यूट पावर अटेन करने से प्रिवेंट करता है. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ये वाला स्टेटमेंट है, द स्टेट्स आर नॉट. तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी बहुत सारे राइट्स हैं दे आर नेगेटिवली वर्डेड, और इन ए मोर रिफाइंड वे यू कैन से दैट दे आर नेगेटिव इंजंक्शंस अगेंस्ट द स्टेट. कोई डाउट इसमें? नहीं भैया,
इसीलिए मोस्ट ऑफ द राइट्स स्टार्ट होता है द स्टेट शैल नॉट, जैसे कि मान लो द स्टेट शैल नॉट डिनाई फ्रीडम इक्वालिटी एक्सेट्रा, जैसे जैसे हम लोग सारे राइट्स कवर करते रहेंगे तो ये चीज और पता चलते रहेगा। ठीक, दूसरा जो है कि अब देखो क्या बस नेगेटिव है, मतलब क्या सारे के सारे राइट्स नेगेटिव वर्डेड ही है, तो ऐसा भी नहीं है। किसी किसी राइट्स में वो स्टेटमेंट है जहां पर वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि द स्टेट शैल डू दिस, जैसे तुम्हारा राइट टू एडुकेशन हो गया, है कि नहीं। तो कुछ कुछ राइट्स ऐसे भी है जहां पर स्टेट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि क्या ड्यूटी स्टेट परफॉर्म करेगा। ठीक, जैसे 21A में तुम्हारा राइट टू एडुकेशन हो गया द स्टेट साल, तो वो पॉजिटिव इंजंक्शन हो गया। अब देखो ये जो ये हायरार्कियल मॉडल अगर जाओगे तो देखोगे कि पहले मान लो हाउस ही हुआ या इंडिविजुअल हुआ, अब इंडिविजुअल फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट करता है, फिर फैमिली सोसाइटी ऐसे करके, फिर सिटी, मान लो वैसे जैसे जाओगे तो सबसे ऊपर कहीं ना कहीं स्टेट है, क्योंकि तो स्टेट को तो अपने अंडर विद इन होल टेरिटरी, मतलब जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया, उस पूरे टेरिटरी को अपने अंदर रख के उसको गवर्न करना है, कुछ ड्यूटी परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं मतलब उस हायरार्की में स्टेट ऊपर, मतलब नॉट इन द सेंस कि हाँ एज ए लिटरल सेंस में देखना है, बट अगर जनरल टर्म में देखोगे तो स्टेट टू इंडिविजुअल से अबव आता है ना, क्योंकि हम स्टेटमेंट भी बताए थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा रहेगा इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज ए होल, बताए थे ना ये स्टेटमेंट, तो वही है। तो स्टेट कहीं ना कहीं हायरार्की में ऊपर है, तो ये जो सेटअप है ये एक वर्टिकल सेटअप है ना, जैसे इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल है, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में तो सेम है, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा ऑन एनी बेसिस पर, है कि नहीं। तो अब ये जो दो इंडिविजुअल हैं, ये दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं लाए करते, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, ये वर्टिकल हो गया, इसमें कोई डाउट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में नहीं। इसी में आता है हम लोग का दूसरा नेचर फंडामेंटल राइट्स का, कि जो स्टेट है, सॉरी जो फंडामेंटल राइट्स है वो वर्टिकली अगेंस्ट स्टेट काम करता है, वर्टिकली अगेंस्ट स्टेट। कैसे? अब देखो तो पहले ही बोले थे कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट द स्टेट, इस वजह से बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे मान लो आर्टिकल 17 हो गया जिसमें है कि अनटचेबिलिटी के कंसर्न में है, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्यों पहले हम वर्टिकल समझाते थे फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो अब बहुत सारा है कि जहां पर जो स्टेट को प्रिवेंट करते हैं, जैसे मोस्टली जो राइट्स हैं जिसमें ये है कि द स्टेट शैल नॉट, तो वो कहीं ना कहीं वो वर्टिकल जो है वर्टिकली स्टेट के अगेंस्ट फंक्शन करता है वैसे राइट्स, ठीक है। और कुछ राइट्स हैं हॉरिजॉन्टल जो अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स हैं, कैसे, जैसे तुम्हारा है कि स्टेट शैल नॉट किसी को भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ठीक, तो विदाउट एक्सप्लेनेशन या विदाउट प्रॉपर रीजन किसी को भी स्टेट अरेस्ट नहीं कर सकता है ना, या किसी को भी स्टेट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता है, ठीक। तो ये वाला हो गया वर्टिकल, तुम्हारा वर्टिकल पर्सन हो गया फंडामेंटल राइट का, वर्टिकल नेचर हो गया कि वो वर्टिकल रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है स्टेट पर, ठीक। लेकिन क्या ये राइट देता है इंडिविजुअल को, मान लो ये स्टेटमेंट है द स्टेट शैल नॉट किसी स्टेट किसी को भी मतलब डिटेन नहीं कर सकता है, किसी को भी बिना रीजन का जेल में नहीं डाल सकता है, तो क्या ये इंडिविजुअल को राइट देता है कि इंडिविजुअल किसी का भी मर्डर कर सकते हैं या फिर वो उनको किडनैप कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसी चीजें जहां पर मतलब जो वर्टिकल रेस्ट्रिक्शंस है, अगर स्टेट कोई भी इंडिविजुअल का राइट को अगर रॉन्गली
रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसके लिए हमारे पास है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, लेकिन जहां पर ये जो प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल हो गया, मान लो कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान का, मतलब कोई भी प्राइवेट सिटीजन, कोई भी सिटीजन अगर किसी दूसरे सिटीजन का किसी राइट को हार्म करता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एन एक्सप्रेशन है, हाँ तो अब क्या ये राइट देता है कि तुम किसी प्लेन में खड़े होके बॉम्ब बॉम्ब चिल्ला सकते हो, या किसी पब्लिक गैदरिंग में खड़े होके बॉम्ब बॉम्ब चिल्ला सकते हो? नहीं, उससे क्या नहीं। होगा, स्टैम्पेड हो सकता है, केओस आ सकता है, ठीक ना। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि शायद विस्टारा एयरलाइन या किसी की पैसेंजर के सामने कोई दूसरा इंसान बॉम्ब वर्ड यूज कर रहा था, उसी गॉट हिम अरेस्टेड। मेरे को एग्जैक्ट एयरलाइन का नाम नहीं पता, बट न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया। तो वही है, तो वो अब वो बोलेगा कि आई एम यूजिंग माई राइट ऑफ फ्रीडम, तो वो ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन हुआ, समझे। तो अब अगर कभी कोई इंडिविजुअल अगर किसी दूसरे, जैसे ये आर्टिकल 17 हम बोल देते हैं अनटचेबिलिटी, इसमें क्या है कि कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब ऑब्वियस बात है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस तो वो लोग मतलब बिटवीन इंडिविजुअल ही होता है, सोसाइटी का बात है, सोसाइटी के अंदर होता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, समझे। अब कोई इंसान अगर बोलेगा ठीक है ये मेरा अपना पर्सनल ये है कि हम सामने वाले इंसान को ऐसे कंसिडर करेंगे, वैसा भी नहीं है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के तौर पे काम करता है, तो वहां पर ये हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है इंडिविजुअल के लिए। ठीक, तो अब अगर ऐसा हो, मान लो कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करे, या फिर कोई किसी को किडनैप कर ले, या किसी पे फिजिकल वायलेंस कॉज करे, तो वैसे केसेस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू वो नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, उनका अगर राइट वायलेट किया स्टेट, तो दे कैन गो। और ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू फर्स्ट लॉज कंप्लेंट इन लोअर कोर्ट, फिर धीरे धीरे हायर कोर्ट जाना, नहीं, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द एपेक्स कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं वो लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड किया गया है वर्टिकल रेस्ट्रिक्शन के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन अगर है तो उसके लिए आपको क्रिमिनल केस के थ्रू एफआईआर लॉन्च करना होगा, कंप्लेंट करना होगा, और फिर जो ड्यू प्रोसीड्योर है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, सिविल रेमेडीज हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, ये सिविल रेमेडीज हो गया। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को? नहीं तो अब अगला जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। तो अब इसमें भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं राइट्स को, एक जो अवेलेबल टू सिटी ऑल सिटीजन्स है, और ओनली ओनली टू सिटीजन्स है, और दूसरा अवेलेबल टू एवरीवन, एवरीवन में क्या हो गया, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इंडिविजुअली जब सारे राइट्स को देखते रहेंगे, तो अब उसमें हम लोग को वर्ड मिलेगा, एक वर्ड होगा सिटीजन। अगर उस राइट में है कि नो सिटीजन शैल नॉट, या वैसा जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ का है, उसमें मेंशनड है आर्टिकल 14 हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो मेंशनड है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन में ये सारे इंक्लूडेड हो गए, तो वो जब भी कोई आर्टिकल पढ़ो, उसका स्टेटमेंट पढ़ो, और उसमें मेंशन्ड हो एनी पर्सन, तो इसका मतलब दैट इज अवेलेबल टू ऑल। और अगर एक्सक्लूसिवली ये सिटीजन वर्ड मेंशन्ड हो, तो इसका मतलब कि दैट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ठीक ना। तो ये कीवर्ड हो गया सिटीजन और पर्सन, इससे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिकल्स की वो मतलब वो फंडामेंटल राइट whether it is available to individuals, मतलब only to citizens of India, or it is available to all the persons. ठीक, और पार्ट थ्री में हम लोग हर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हर आर्टिकल में वी विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स। ठीक, तो ये जो हम दो चीज बताएं, एक ऊपर की फंडामेंटल राइट्स वाला, और दूसरा ये वर्ड,
सिटीजन्स और पर्सन वाला, उससे यू कैन मतलब डिस्टिंग्विश कि ये क्या है, मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी यू कैन डिस्टिंग्विश, नो स्टेट शाल नॉट और वो वाला वर्ड से, समझे। दूसरा हाँ चीज बताया कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब अगर वो पार्ट थ्री में है जैसे, तो वो फंडामेंटल राइट्स रहेगा, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, बट फिर अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक, तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है। तो अगर उस समय स्टार्टिंग 1960s में अगर देते यूपीएससी का एग्जाम, उस समय अगर ये सवाल आता कि इज राइट टू प्रॉपर्टी मतलब किस कैटेगरी में आएगा, तो हम लोग टिक करते फंडामेंटल राइट, बट अभी यू वोंट टिक इट, तो ये लीगल राइट के हाँ अंदर आता है, तो वही चीज क्यों, क्योंकि अब वो पार्ट थ्री के अंदर नहीं था, ठीक। तो दूसरा दूसरा हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि इट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजंस, सम राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द पर्संस इंक्लूडिंग सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, ठीक। अब तीसरा है कि चलो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेंट करता है स्टेट को एब्सोल्यूट पावर अटेन करने से, ठीक, लेकिन क्या ऐसा है कि हर मतलब इंडिविजुअल भी एंजॉय करते हैं राइट को इन देयर एब्सोल्यूट सेंस, तो ऐसा भी नहीं है कोई भी राइट को, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट्स चाहे स्टेट को दो या इंडिविजुअल को दो, बट अगर कोई भी पावर इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म अगर दिया जाएगा किसी को भी, तो वो जो है वो एब्सोल्यूटिज्म आ ही जाएगा, समझे, क्योंकि जिसके पास भी वो, क्योंकि पावर करप्ट्स, ये वाला प्रॉवर्ब है पावर करप्ट्स एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स भी जो है एब्सोल्यूट, और कभी कभी ऐसा भी होता कि टू मेंटेन मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यू विल हैव टू कर्टेल सम राइट्स, ठीक, तो इसलिए कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो कोई भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट टर्म में इंजॉय नहीं कर सकता, हर राइट पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा चलो मतलब पार्लियामेंट मान लो बोला कि ड्यू टू दिस रीजन वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट्स, तो फिर फाइनल ओनस लाई करता है अपेक्स कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पास, हाँ कि क्या ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था या दिस रेस्ट्रिक्शन वाज अनरीजनेबल। और अभी के टाइम में तो बहुत सारे मींस द कोर्ट इज फ्लडेड विद सम केसेस, लाइक किसी पे सिटेशन का केस चार्ज हो गया, किसी पे किसी और ही एक रीजन से उन पे केस लाया गया और फिर कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया कि नहीं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आता, दिस कांट बी डन, समझे, फिर उनको फ्री कर दिया जाता है। तो वही चीज है, एपेक्स कोर्ट डिटरमाइन करता है कि ये रेस्ट्रिक्शन जो था वो रीजनेबल था कि नहीं था, समझे। तो अब देखो क्या है, एक नेशनल इमरजेंसी हो गया, कब कब मतलब ये जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है या फिर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त जो आता है आर्टिकल 352 के अंदर, आगे हम लोग इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट नेशनल इमरजेंसी के वक्त फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन और से रिलेटेड, ठीक है, कोई डाउट। नहीं तो अब ये चीज मतलब 20 और 21 के अलावा बाकी सारा फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और बाकी दोनों टाइप की इमरजेंसी में जरूरत भी नहीं है और होता भी नहीं है, ठीक। अब देखो अब दूसरा चीज आता है कि अच्छा कौन मॉडिफाई कर सकता है कि कितना एक्सटेंट पे फंडामेंटल राइट्स लागू होगा, किस पे लागू होगा, किस किस केसेस में फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि एज एन इंडिविजुअल सिटीजन एवरीवन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इफ यू आर एन ऑफिसियर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, तो क्या वो मीडिया में बाइट दे सकते हैं ऑन देयर ओन विल, तो ऐसा भी नहीं है, इफ यू आर ए सिविल सर्वेंट यू कैन नॉट गो टू मीडिया एंड से व्हाटएवर यू लाइक अबाउट एनी पॉलिसी और थिंग,
यू विल हैव टू फॉलो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट दी है. इफ द गवर्नमेंट ऑथराइज यू कि अच्छा यू गिव दिस 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 बाइट इन फ्रंट ऑफ द न्यूज न्यूज चैनल के सामने, देन यू कैन गिव. ठीक, तो अब ये पावर किसके पास है कि कितना किस पे रेस्ट्रिक्शन लाया जाएगा, लागू होगा कितना एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्शन लागू होगा, तो वो पावर है पार्लियामेंट के पास. ओनली विद द पार्लियामेंट, ओनली द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिटरमाइन एंड मॉडिफाई. कैन डिटरमाइन और मॉडिफाई कि रेस्ट्रिक्शन होगा, एब्रोगेटेड चेंज क्या करना है, कितना एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन होगा विथ रिगार्ड्स टू पुलिस फोर्सेस पार्लियामेंट्री एक्सेट्रा. अब ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 33 के अंदर. ठीक, जैसे हम लोग आर्टिकल 33 जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक, तो अब ये जो है जैसे अब स्ट्राइक या फिर गैदर होने का राइट हर किसी के पास है, एवरी इंडिविजुअल. बट इफ यू आर इन आर्मी और इन डिफेंस डिफेंस फोर्सेस यू कैन नॉट कंडक्ट स्ट्राइक. ठीक, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो है ये पार्लियामेंट ही मॉडिफाई कर सकता है बाय लॉ. और ये जो है ये वाली चीज जो पुलिस और पैरामिलिट्री के अंदर जो आर्टिकल 33 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो तुम्हारा एज एन एग्जांपल है बस. पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स, एक्ट 1966 के अंदर आता है. ठीक, तो अब हम लोग एज ए ओवरलुक के लिए देख लेते हैं कि आर्टिकल 33 के अंदर क्या क्या कौन कौन मतलब कवर अप होते हैं. ठीक ना, सबसे पहला चीज क्या होगा कि पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है मॉडिफाई इस रेस्ट्रिक्शन को. कौन कौन उसमें इंक्लूडेड होते हैं? मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, आर्म फोर्सेस, क्या मेंबर ऑफ फोर्सेस जिनको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, मतलब पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे CAPF, CISF एक्सेट्रा. उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, मतलब ऐसे ब्यूरो में जिनको एम्प्लॉय किया गया है जिनका काम है कि इस्टेब्लिश करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, काउंटर इंटेलिजेंस प्लान करना, जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गई. ठीक, और दूसरा हो गए अगर वैसे लोग जैसे अब टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, या फिर हर डिपार्टमेंट का जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है या पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट है विद इन द डिपार्टमेंट जो टेली कम्युनिकेशन को हैंडल करता है. तो वैसे लोग जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप और उसको मेंटेन करने का काम करता है, किसी भी फोर्स, किसी भी ब्यूरो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, समझे? ABC में जो भी किए, जो आर्म फोर्सेस के हो गए, तरह पुलिस के हो गए, CAPF के हो गए, उसके अलावा रॉ आईबी के हो गए, और भी जो भी मतलब टीमों के अंदर जो भी आते हैं उनका जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो पर्सन इम्प्लॉयड है वो भी इसके अंदर आते हैं. ठीक, तो अब इसका रीजन क्या क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं अरे ठीक है वी आर डूइंग दिस ड्यूटी बट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड बी गिवन राइट्स. तो एक तो ताकि ये लोग प्रॉपरली अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके, दूसरा इनके पास बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो शायद नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या इंटरनल सिक्योरिटी या इन इंटरनेशनल लेवल भी इंडिया के लिए डेंजरस हो सकते हैं. ठीक, अभी देख ही रहे हाँ हो बहुत सारे एस्पियोनेज केस में बहुत सारे ऑफिशियल सामने आए थे, आते ही रहते हैं विद टाइम, भले बहुत ज्यादा नंबर में नहीं रहते, कुछ ही रहते हैं बट वो आते हैं. तो वही बात है, ताकि प्रॉपरली अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके, एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन हो. मान लो आर्म BSF या फिर आर्म पुलिस फोर्स वाले लोग अगर स्ट्राइक कंडक्ट कर दे, मतलब आर्मी वाले लोग अगर स्ट्राइक कंडक्ट कर दे, तो फिर बॉर्डर कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, है ना? हाँ तो वो डिसिप्लिन के लिए भी प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी भी हो इसलिए भी जरूरी है. ठीक है, एक आखिरी जो प्रॉपर्टी है मतलब नेचर है फंडामेंटल राइट का, वो है कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी नेचर है मोस्ट ऑफ द राइट्स का.
सेल्फ एग्जीक्यूटरी में क्या हुआ, सेल्फ एग्जीक्यूटरी मतलब जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में उन राइट्स को मेंशन किया गया वैसे ही वो राइट्स एग्जीक्यूट हो गए। उसके लिए हमारे पार्लियामेंट को अलग से कोई लॉ लॉ नहीं बनाया बनाना पड़ा टू एग्जीक्यूट दोज राइट्स, समझे, जिसे राइट टू इक्वालिटी है। जैसे ही मेंशन हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेंशन हुआ, उसके लिए तुम कोई लॉ या कोई एक्ट दिखा सकते हो मेरे को जो पार्लियामेंट ने बनाया हो कि इसके तहत ये किया जाता है, नहीं। बट देयर आर सम राइट्स जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, जैसे एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 17 में जो आता है तुम्हारा अनटचेबिलिटी के कंसर्न है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक। आर्टिकल 21, ये तो 17 में आ गया, आर्टिकल 21 में आता है तुम्हारा राइट टू एडुकेशन। तो अब क्या हुआ, जब ये राइट्स को मेंशन किया गया, जब ये राइट्स आए, जैसे 21 अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो जब ये राइट्स आए तो उस समय जैसे ही इनको मेंशन किया गया, उसके बाद पार्लियामेंट को जो है बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसके बाद बिल को पास किया गया, फिर एक्ट आया। अब इस एक्ट के अंदर पहले तो डिफाइन किया जाएगा, जैसे 17 को ही ले ले अगर हम लोग आर्टिकल 17 को, अब इसके लिए जो एक्ट आया उसमें सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा कि अच्छा क्या है अनटचेबिलिटी। एक्ट को हम लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस के अंदर ला सकते हैं, समझे। तो अब जो कोई अगर हाँ प्रैक्टिस करेगा अनटचेबिलिटी तो उसमें उनको क्या, उसमें उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या एक्शंस लिए जाएंगे उनके ऊपर, ठीक। सिमिलर वे तुम्हारा राइट टू एडुकेशन में भी, उसमें भी लॉ लाया गया कि किसको किसको प्रोवाइड किया जाएगा राइट टू एडुकेशन के अंदर, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 23 के अंदर तुम्हारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तुम्हारा ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए, ये भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। तो फ्यू ऑफ द राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, फ्यू क्या, मोस्ट ऑफ द राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, बट देयर आर फ्यू राइट्स जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ लाया गया, लाना पड़ा, ठीक है। हाँ राइट टू एडुकेशन के लिए तुमको 2009 में राइट टू एडुकेशन को कोडिफाई किया गया लाके लॉ, फिर एक्ट बन के, तो उसके बाद वो ठीक है। अब हम लोग ये सारा एक बेसिक लेआउट पता चल गया, अब हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 12, अब देखो इतना देर से हम लोग बात कर रहे थे कि द स्टेट्स आर नॉट द या स्टेट इज नॉट अलाउड टू डू या विद द स्टेट हैव टू, ये सारे टर्म्स हम लोग को मिलेंगे। तो अब आर्टिकल 12 इसी चीज पे डेडिकेटेड है कि आखिर, क्योंकि अब इंटरप्रेट तो करना होगा ना, अच्छा ये राइट्स है, ये राइट्स दिए गए हैं, कोई नेगेटिव होंगे कोई पॉजिटिव होंगे, कोई वर्टिकल रेस्ट्रिक्शंस होगा किसी में हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन होगा। तो अब उसको इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहला सवाल आएगा, अच्छा स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा, क्योंकि अब ऐसे नॉर्मली देखोगे तो स्टेट या फिर कंट्री हम बोलेंगे तो कंट्री के अंदर तो ओवरऑल हर कंट्री आ जाता है, उसके हर सिटीजन आते हैं, ठीक। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा मान लो कंट्री के अंदर या सिटीजन आते हैं, पूरा ओवरऑल टेरिटरी आता है, क्या वो लोग भी आते हैं जो फॉरेनर हो या रिसाइड कर रहे हो विद इन द टेरिटरी। तो सेम वे स्टेट भी अगर उसको डिफाइन नहीं किया जाए तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की थिंकिंग डिफरेंट है, इंडिविजुअल का परसिवरेंस मतलब परसीव करने का कोई भी चीज डिफरेंट अप्रोच होता है। तो इसलिए आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या क्या, मतलब स्टेट के अंदर क्या क्या आएंगे, या फिर अगर हम ये टर्म यूज कर रहे हैं या कहीं भी मेंशनड हो स्टेट तो वो किस किस को कवर करेगा, समझे, ताकि अगर कोई कभी मूव करे या कोई किसी को लगे कि अच्छा ये बॉडी या ये पर्टिकुलर ऑफिस जो है ये मेरा जो है राइट को कर्टेल कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए, आई विल हैव टू अप्रोच द एपेक्स कोर्ट, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा कि अच्छा ये जो बॉडी है, मान लो वो बॉडी स्टेट के अंदर नहीं है, ठीक, तो वो राइट उस पर पूरा का पूरा एप्लीकेबल तो होगा नहीं,
फिर वो स्टेट या फिर गवर्नमेंट या एपेक्स बॉडी ये नहीं कह सकती कि अच्छा, जैसे मान लो बीसीसीआई है, आगे हम लोग बीसीसीआई वाला केस भी देखेंगे, लेकिन जैसे अब ये रिक्वायर्ड है कि जो है रिजर्वेशन जो है लागू होगा ऑफिसेस में या एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, है ना, तो क्या ये चीज लागू हो सकता है कि मतलब कल को कोई बोले कि आई मतलब मेरे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके तहत मेरे को बीसीसीआई सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे है शायद, आई एम नॉट श्योर अभी है या नहीं, बट व्हेन आई वाज अ किड तो ये कहा जाता था कि साउथ अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम में एक इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है उन्हें जो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, ठीक है, अब इसमें कितना सच्चाई है आई कैन नॉट से दिस, लेकिन है ना वहां पर अगर ये चीज सही है तो ये चीज था, तो सेम वे आके बोले कि अच्छा बीसीएम मेरे को आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी तो अब बीसीसीआई को एक सीट मेरे लिए रखना चाहिए, है कि नहीं, अब अगर बीसीसीआई स्टेट के अंदर आएगा तो हो सकता है ये चीज उस पर लागू हो, अब बीसीसीआई स्टेट के अंदर नहीं अगर आएगा आ रहा है तो वो चीज लागू नहीं, मतलब वो नहीं कह सकता कोई भी जाके, ये नहीं कह सकता कि आई डिजर्व द सीट या फिर वन प्लेस इन द टीम, ये एक एग्जांपल दी है जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड ये वाला चीज, तो अब देखो तो अब स्टेट के अंदर मेन सैंड है तुम्हारा सबसे पहला तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, दूसरा तुम्हारा पार्लियामेंट पार्लियामेंट तो मतलब राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गया, ठीक, लोकसभा फिर अब ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया पार्लियामेंट, तो स्टेट लेवल पे तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो गया, नो फिर उस स्टेट के लेजिस्लेचर, ठीक, उसके बाद तुम्हारा लोकल अथॉरिटीज हो गया, इसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन और रूरल लेवल पे वो भी आ गया, आगे ये पांचवा, ये सारे तो चलो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये कैटेगरी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें पता है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आएंगे, पार्लियामेंट हो गया तो हमें पता है कि अच्छा पार्लियामेंट के अंदर ये आएंगे, मतलब क्लियर है, लेकिन जो पांचवा है ना वो थोड़ा सा वेग है, एम्बिगुअस है, क्योंकि पांचवा बोलता है अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, तो क्योंकि ये वेग हो गया, क्योंकि अब ये कैसे डिफाइन करोगे, चलो अथॉरिटी है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, चलो ये समझ में आता है, टेरिटरी का डिफिनेशन है उसके अंदर जो अथॉरिटी है, एंड अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा ये कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस अथॉरिटी पे है, वो डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग को एक होता होना चाहिए, एक बेसिक रूल होना चाहिए या फिर एक लेआउट होना चाहिए, है कि नहीं, इसी कारण जो है ये थोड़ा वेग है, ड्यूबियस हो गया तुम्हारा, और यहीं पर प्रॉब्लम और इश्यूज भी अराइज करते हैं मोस्ट ऑफ द डिबेट्स है कि ये जो है तुम्हारा ये आना चाहिए अथॉरिटी के अंदर, ये विद अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया वाले कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, समझिए, तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया है कि अच्छा ये है, इसमें से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई कर रहा हो, कोई भी एक जो इस कैटेगरी में आते हो अगर, तो उन्हीं इस कैटेगरी में डालेंगे अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, समझे, क्योंकि अब ये वाला इशू और भी आते हैं, क्योंकि देखो अभी देख रहे होगे कि स्टेट के अंदर तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्टेट को बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डायनेमिक नेचर का है, लेकिन तो अब जो है बहुत सारे जो तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर फंक्शन जो है उसे आउटसोर्स किया गया हो अथॉरिटीज, मतलब वैसे अथॉरिटीज के लिए जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे फंक्शन कर रहे हैं, समझे, तो इसीलिए भी आ रहा है कि अब वो अथॉरिटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क जो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो कभी स्टेट गवर्नमेंट या जो कभी स्टेट परफॉर्म करता था, लेकिन अब क्योंकि आउटसोर्स कर दिया गया है उन टास्क को,
तो क्या जो सिटीजन्स हैं या जो लोग हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट मिला है, क्या वो फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं ऐसे अथॉरिटीज पे? ये क्वेश्चन तो अराइज होगा ना। अब हाँ मान लो ये चीज नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो को एक पर ड्यूटी है, मान लो साइबर सिक्योरिटी का ड्यूटी होता, वो किसी एजेंसी को दे देती। अब वो एजेंसी बोलता भी यार तो प्राइवेट इंडिविजुअल आपका फंडामेंटल राइट यहाँ लागू नहीं होता, ठीक। तो लोग बोलेंगे कि ये ड्यूटी तो है, ये टास्क जो है, चलो ये तो पहले गवर्नमेंट कर परफॉर्म करती थी, तो आपका तो आना चाहिए। तो इसके लिए जो है एपेक्स कोर्ट जो है उन्होंने एक लेआउट दिया है, टेस्ट कह सकते हो, टेस्ट दिया है कि अगर अगर कोई भी एक इनमें से जितना भी टेस्ट दिया गया है, इसमें से कोई भी एक टेस्ट पे कोई भी अथॉरिटी या कोई भी जो एजेंसी है वो अगर पास होती है तो फिर, या सेटिस्फाई करती है, तो फिर वो अथॉरिटी जो है या वो एजेंसी जो है इस वाले कैटेगरी में आएगी, अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में, समझे। तो अब क्या क्या है वो टेस्ट, हाँ जरूरी नहीं कि हर टेस्ट को पास करना है, कोई भी एक इंडिविजुअल टेस्ट, समझे। तो सबसे पहला है कि अगर उस एजेंसी को मतलब या फिर उस बॉडी को सेटअप किया गया हो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, या फिर स्टैट्यूट ऑर्डर के तहत, ठीक। जैसे कि मान लो तुम्हारा LIC हो गया, नीति आयोग हो गया, RBI हो गया, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर जो जो बताए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, हो गया, ठीक। फिर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो जो हो गए, तो उस ऑर्डर के तहत अगर पास किया गया हो और उसके तहत उस बॉडी का सेटअप हुआ हो तो फिर वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए LIC, RBI, नीति आयोग, ये आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तब और डिटेल में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी का, ठीक। दूसरा आ गया, अगर मान लो गवर्नमेंट जो है उस बॉडी को सब्सटेंसिव फाइनेंस करती हो और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, तो भी वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि ये वर्ड सब्सटेंसिव फाइनेंसिंग, अब ये भी डिटरमाइन कैसे होगा कि अच्छा सब्सटेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल है गवर्नमेंट का, कि किसे हम लोग सब्सटेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर डालेंगे, समझे। लेकिन एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, एक तो कॉलेजेस हो गए जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक। कुछ कॉलेजेस हो गए जो है प्राइवेट बॉडी लेकिन उसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है, ठीक ना, सेमी गवर्नमेंट या पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक। तो अब जो है गवर्नमेंट तो फंड प्रोवाइड करती है उस बॉडी को, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल वाला ही करती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो उन बॉडीज पर मतलब, या वैसे कॉलेजेस अगर बोले कि ठीक है वी आर प्राइवेट या फिर हमारा अपना ही लागू होगा, हम इतना रिजर्वेशन नहीं देंगे, ठीक, तो वो चीजें तो नहीं होगी वहां पर। सेमी गवर्नमेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर भी रिजर्वेशन वाला ये तो लागू होता ही है ना, ठीक है ना। तो वो भी इस बॉडी के अंदर आ गई जहां पर गवर्नमेंट का सब्सटेंसिव फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो। हालांकि सब्सटेंसिव जो है ये वर्ड अपने में ही थोड़ा मतलब क्लियर डिफाइंड नहीं है, लेकिन एज ए ये लेके चल सकते हो कि चलो हाँ ये जो हुआ है वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक। अब दूसरा है जो चीज अभी हम एग्जाम्पल बोले कि पहले अगर वो फंक्शन को स्टेट परफॉर्म करती थी लेकिन अब आउटसोर्स करके किसी और एजेंसी या किसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट को अगर वो ड्यूटी दे दी गई हो, समझे, और वो एजेंसी अब वो फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो वो एजेंसी भी इस कैटेगरी के अंदर आएगी, समझे। इसमें कोई डाउट? तो ये चीज क्लियर रखना कि कोई भी एंटिटी जिसको स्टेट एज एन एजेंसी या फिर स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हो टू परफॉर्म वो फंक्शंस को जो फंक्शंस पहले स्टेट परफॉर्म करती थी, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, समझे। हाँ
उसके बाद वैसी एजेंसी जो सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। अब सोवरेन फंक्शंस के अंदर क्या क्या आ गया? सबसे पहले डिफेंस, फिर टैक्स से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर। तो वैसी बॉडी जो परफॉर्म कर रही हो सॉवरी फंक्शन, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। समझे? कोई डाउट? अब नहीं इसमें दो इशू आता है। सबसे पहला इशू जो हम बोले बीसीसीआई वाला। अब देखो बीसीसीआई जो टीम्स, मतलब ये एक कॉर्पोरेट, ये है कॉपरेटिव बॉडी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास कॉपरेटिव एक्ट के तहत। ठीक, अब ये कॉपरेटिव बॉडी है, ये सेलेक्ट करती है टीम 11-15 मेंबर्स, वो उसको भेजती है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक, तो क्रिकेट खेलने के लिए भेजती है तो, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है? टीम इंडिया है कि नहीं? वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है उस लेवल पे। तो इसलिए ये बहुत सारे डिमांड्स आए कि ये टीम इंडिया है। क्या पहला ये हुआ कि क्या हम लोग इसको टीम इंडिया बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है टीम। अब ब्यूटी पेजेंट्स में है, अब ब्यूटी पेजेंट्स में गवर्नमेंट तो नहीं स्पॉन्सर करती है, या गवर्नमेंट तो इंडोर्स नहीं करती है जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में जाते हैं। लेकिन फिर भी वो टीम इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये वाला सवाल उठा कि अगर ये ठीक है, अगर ये टीम इंडिया है, तो क्या इसे हम लोग इस कैटेगरी में, स्टेट वाले कैटेगरी में ला सकते हैं? समझे? उससे पहले ये बात कि जो वर्ड है कॉरपोरेशन और कंपनीज, बहुत बॉडीज के सामने कॉरपोरेशन वर्ड यूज करते हुए देखोगे, बहुत वर्ड बॉडी के सामने कंपनीज, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। कॉरपोरेशन जो हो गया वो जब भी स्टेब्लिश होगा तो बाय लॉ स्टेब्लिश होगा, जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। RBI के सामने कॉरपोरेशन वर्ड यूज नहीं है, लेकिन बट वो भी कॉरपोरेशन। समझे? तो वो लॉ के अंदर से, इनफैक्ट RBI तो फर्स्ट कॉरपोरेशन टू बी सेटअप इन इंडिया है 1935 में, है कि नहीं? तो वो चीजें, वो क्लियरिटी रखना। समझे? तो अब जो है क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलो अगर इतना कुछ हो रहा है तो क्या बीसीसीआई को अथॉरिटी के अंदर रखना चाहिए? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। कोई भी सॉवरीन फंक्शन, मतलब जो हम सारे रूल्स, मतलब टेस्ट केसेस बताए, उन सारे में से किसी को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको उस कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे, अदर अथॉरिटीज वाले कैटेगरी। समझे? लेकिन फिर हम लोग देखे कुछ साल पहले रोधा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, विनोद राय कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, कोर्ट ने इंटरफेयर किया, साइटिंग की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है और डिफरेंट इरेगुलरिटीज को साइट करते हुए कोर्ट ने मतलब इंटरफेयर किया है कि नहीं? तो अब ये आया कि अगर वो स्टेट है या अदर अथॉरिटीज के अंदर नहीं आ रही है तो कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है? समझे? तो इसमें अब दूसरा चीज आता है, हालांकि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारा नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने कहा था कि आर्टिकल 12 को अमेंड करना चाहिए और उसमें ये वाला प्रोविजन लाना चाहिए कि कोई भी एंटिटी या और पर्सन, जिसका ये वाला लाइन लिख लेना, प्रेस में लिखते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने मेंशन किया कि आर्टिकल 12 शुड बी अमेंडेड और उसमें इंक्लूड करना चाहिए एनी पर्सन और एंटिटी जिसका फंक्शन, मतलब एज ए होल या इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन इज ऑफ पब्लिक नेचर। तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए किसमें? अदर ऑथोरिटी वाले डेफिनेशन में। क्लियर है? अब देखो ये तो वही कर रही है ना बीसीसीआई। बीसीसीआई तो टीम सेलेक्ट कर रही है। अब उसमें इतना इतना पब्लिक सेंटीमेंट्स है, पब्लिक सेंटीमेंट एसोसिएटेड है। क्रिकेट का क्या सीन है इंडिया में, ये तो द वर्ल्ड नोज दिस।
इट इज अ टाइप ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो अब वो तो पब्लिक नेचर का काम कर रही है, तो कोर्ट ने भी ये चीज साइड किया कि बीसीसीआई जो है वो डज द वर्क ऑफ पब्लिक नेचर, तो इसीलिए उसके अगर कोई इरेगुलरिटीज है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने मतलब वी आर इंटरफेयरिंग। ठीक है, हालांकि इसको जो है लागू नहीं किया गया, लेकिन मतलब ये चीज था, रिकमेंडेशन था एनसीआरडब्ल्यू सी। मतलब एनसीआरडब्ल्यू सी ने नहीं कहा कि साइटिंग बीसीसीआई एज पर्टिकुलर, एज ए होल उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पर्सन या एंटिटी का फंक्शन जो है या उस उनके फंक्शंस का कुछ पार्ट भी अगर पब्लिक नेचर का है तो उसे इंक्लूड कर देना चाहिए, समझे। सेम वे में तुम्हारा आरटीआई एक्ट से रिलेटेड भी आया कि अब आरटीआई जो एक्ट है जब वो आया तो उसमें तुम्हारा पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट दिया गया है ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है कि नहीं। हाँ अब जो है वो डिफाइन भी करता है कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन मतलब विच विच ऑफिस विल कम अंडर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक, उसका भी डेफिनेशन है, लिस्ट है कि ये ऑफिस जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि बीसीसीआई जो है उसको पब्लिक अथॉरिटी के अंदर ला दे मतलब लाना चाहिए और फिर आरटीआई उन पे लागू होना चाहिए, समझे। हालांकि ये भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, समझे। अब दूसरा सवाल उठता है कि अच्छा चलो गवर्नमेंट मतलब वैसा स्पॉन्सर्ड तो है नहीं बीसीसीआई, और वो अदर अथॉरिटी के अंदर भी नहीं आता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई और कोऑपरेटिव बॉडी अगर चाहे तो वो अपना टीम क्रिएट कर सकता है और वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो हाँ ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई बॉडी, जैसे कुछ साल पहले तो आया ही था ना आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, शायद जी हाँ इंटरप्राइज का इनिशिएटिव था और उसी को कर्टेल करने के लिए आईपीएल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, है ना। तो उन्होंने किया, हालांकि बीसीसीआई का जो वो जो इंडियन क्रिकेट टीम या फिर बीसीसीआई एज ए होल का जो पावर है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं मेंबर बीसीसीआई के, उसके अलावा जो हाँ पावर है, जो फैन फॉलोइंग है, जो फैन बेस है, तो उस वजह से मतलब कोई भी बॉडी शायद उतना पॉपुलैरिटी गेन ना कर पाए या फिर उस स्टैचर पे ना पहुंच पाए जिस स्टैचर पे बीसीसीआई है। और इवेंचुअली हुआ भी, आईसीएल धीरे धीरे खत्म हो गया है कि नहीं, एक पीक हाँ भाई। पकड़ा ज्यादा, और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सालों तक चला, ऐसा भी नहीं है, कुछ ही दिन के अंदर फिर वापस खत्म भी हो गया। तो ये है, तो अगर ऐसा कुछ पूछे कि क्या नहीं हो सकता तो हो सकता है, लेकिन वो शायद वैसा अटेंड नहीं कर पाए। अब दूसरा सवाल जो आना चाहिए जहन में ये है कि चलो ये जो चीज है रेस्ट्रिक्शन जो है, समझे, उसमें जुडिशियरी मिसिंग है कि नहीं। आर्टिकल 12 में जो जितने भी डिफाइन किया गया जो भी है कि अच्छा इनकी है, उसमें जुडिशियरी तो नहीं है। नहीं पे तो अब और ये वाजिब सवाल है, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है कि व्हाई जुडिशियरी इज मिसिंग। तो इसका आंसर है कि जुडिशियरी जो है ना वो एक ऑब्जर्वर है, समझे, ओके डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर। तो उसका ड्यूटी नहीं है लॉ पास करना, लॉ पास करना लेजिस्लेचर का ड्यूटी है, समझे। उसका ड्यूटी क्या है कि वो ऑब्जर्व करेगा अगर कोई उसके संज्ञान में या उस, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई लॉ पास किया और जब तक पीआईएल नहीं आएगा तब तक जुडिशरी उस पर बता भी नहीं सकता कि ये लॉ जो है, अगर उनको बोला जाएगा कि आप इंटरप्रेट करो या देखो कि ये लॉ जो है वैलिड है कि इनवैलिड है, तब जाके जुडिशरी उस पर एक्ट करता है कि नहीं। जब भी सिटीजन का राइट वायलेट होता है तब जुडिशरी उन राइट्स को रिस्टोर करता है। तो जुडिशियरी एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर है, देयर ड्यूटी इज नॉट, और वो इस चीज में इंगेज भी नहीं होते या होना चाहिए कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना भी उनका ड्यूटी नहीं है। मतलब लॉ पास करना तो नहीं है, ये लेजिस्लेचर का ड्यूटी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी उनका ड्यूटी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का ड्यूटी है कि नहीं। तो इसीलिए अब ये चीजें, लॉ पास करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जब ये दोनों इनके ड्यूटी के अंदर आता ही नहीं है जुडिशियरी का, तो फिर ये तो वायलेट कर नहीं सकते है कि नहीं। तो फिर हाँ कोई भाई
जानता नहीं है इनको इस कैटेगरी में रखने का। वायलेट कौन करते हैं? लेजिस्लेचर करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। केसेस तो यही आया ना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उन्हीं उन्हीं पे ये एलिगेशन लगा है कि इन्होंने लॉ को वायलेट किया है, राइट्स को वायलेट किया है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, समझे। और जुडिशरी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ना लॉ पासिंग में ना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में इंगेज होती है, तो इसीलिए वो वायलेट कर नहीं सकती है, इसलिए इस कैटेगरी में आने का कोई ये नहीं है। लेकिन अब जुडिशियरी के ही फंक्शंस को देखोगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो उनके फंक्शन को, समझे। एक तो जुडिशियल है जो अभी हम ऊपर बताए, दूसरा उनके अंदर तो स्टाफ भी काम करती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी तो है, स्टाफ इम्प्लॉय करते हैं वो। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी एक स्टाफ वाला हो गया, स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट, उनकी सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा अब जो है एक प्रोसीड्योर होता है कि कैसे आपको कोर्ट को एड्रेस करना है, कैसे आपको जज को एड्रेस करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे कोर्ट में, है कि नहीं। तो अब इस प्रोसीड्योर को दिखाने के लिए या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट होंगे, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो अपने जुडिशियल फंक्शन में भले जुडिशियरी किसी भी राइट को वायलेट ना करे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जुडिशियरी हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, हो सकता है, है कि नहीं। अपने जुडिशियल ये नोट्स में मेंशन है कि जुडिशियरी इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी आर रिस्टोरर ऑफ राइट। रिस्टोरर क्या, कि जब मतलब मान लो सिटीजन का राइट वायलेट हो गया तो जुडिशियरी उसको रिस्टोर करती है, वायलेट नहीं करती है, तो इसीलिए डेफिनेशन स्टेट उस पर लागू नहीं होता है विद इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वो वायलेट कर सकती है फंडामेंटल राइट सिटीजन का। तो इस क्वेश्चन के लिए कोर्ट ने एडमिट किया है कि जुडिशियल फंक्शन में स्टेट का डेफिनेशन अटैच नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इट कैन अट्रैक्ट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, समझे। तो अब कोर्ट ने कहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोलली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब दूसरा है कि दूसरा जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, दूसरा जो इशू है वो अभी और भी प्रेवेलेंट है, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म का। एक कोर्ट जो है एक्टिवली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम को अपने अंडर ले रही है, वो वैसा फंक्शंस परफॉर्म करती है जो यूजुअली लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करना चाहिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा कोविड के वक्त उसमें जुडिशियरी ने अपने अंडर ले लिया था, है कि नहीं। तो और अगर वो ये एक्शंस परफॉर्म करेगी तो वो वायलेट भी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को सिटीजंस का, है कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जुडिशियरी जो है वो स्टेट का डेफिनेशन अट्रैक्ट करेगी तब जब वो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत तुम्हारा ये परफॉर्म कर रही है एग्जीक्यूटिव वाला लेजिस्लेटिव फंक्शन, समझे। तो हालांकि इस रिगार्ड में अभी तक कोर्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और अभी भी ये इशू प्रेवेलेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना जुडिशियल एक्टिविज्म का, फिर कभी जब मतलब जुडिशियरी परफॉर्म कर रही हो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कोई डाउट नहीं भैया। हाँ, तो हम लोग आते हैं आर्टिकल 13 में। अब आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो दो चीजें, दो वर्ड जिसका मेंशन मिलेगा, एक तो है जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या क्या है, क्या क्या इश्यूज है इसमें, ये हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो गया पावर ऑफ कोर्ट। तो अब देखो पिछले वाले आर्टिकल में हम बोले थे कि लॉ पास करना लेजिस्लेचर का काम है, उसको एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ
वो एग्जीक्यूटिव का काम है, तो वायलेट भी इन्हीं दोनों से होगा कहीं ना कहीं, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो इनके जो एक्शंस है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, उसको रिव्यू करने का जो पावर है कोर्ट का, समझे, और ये डिटरमाइन करना कि जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है जुडिशियल रिव्यू टर्म, तो इसका जवाब है नहीं, डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और पिछले चैप्टर्स में पढ़ाए थे कि बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग और डेरिवेशन के थ्रू भी ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, है कि नहीं। हाँ। तो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू जो है उसको डिराइव किया गया है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम है लिबरल डेमोक्रेसी, और हम लोग इनफैक्ट वी एज ए नेशन लिबरल डेमोक्रेसी है कि नहीं। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट में, है ना, यहाँ भी तो है ना, लॉ पास करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, बनाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव, है ना। तो वी आर ए लिबरल डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, तो इससे डिराइव हुआ कि चलो डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, लेकिन अब अगर कोई ऐसा इन दोनों के फंक्शन, कोई भी इन दोनों का रोल हो या इन दोनों का, इन दोनों के द्वारा कोई भी अगर ऐसा फंक्शन किया गया हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो अपेक्स कोर्ट का ये राइट है कि वो बताए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिटरमाइन करे, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा तो उसको स्ट्रक ऑफ कर दे। इसके लिए वी यूज द वर्ड अल्ट्रा वायस, समझे। अब देखो, अब ये जो वाला जो हम स्टेटमेंट बोले कि डिटरमाइन करके फिर स्ट्रक ऑफ करना, ये तो ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में या थोड़ा डायरेक्टली, नॉट इन कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्म बट सम पार्शियल डायरेक्ट फॉर्म में, तुम्हारा आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली मेंशन करता है इसको फंडामेंटल राइट्स के लिए, समझे। डाउट, हेलो, नहीं पे, यही चीज है। तो आर्टिकल 13 पार्ट 2 जो है इस चीज को एक्सक्लूसिवली मेंशन करता है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो है जुडिशियरी, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, मतलब स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो अब वो कैसे है उसको हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 13 अगर सब क्लॉज 2 देखोगे तो वो मेंशन है, अगर तुम लोगों के पास है वो मतलब बुक पीएम बुक, हाँ, तो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कंफर्मड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, है कि नहीं। यही स्टेटमेंट बोल रहा है ना वो, हाँ, तो वो उसको डिक्लेयर करना या डिटरमाइन करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये काम तो अपेक्स कोर्ट करता है ना। हाँ। लेकिन अब ये भी, इसमें भी वो कैटेगरिकली मेंशन नहीं करता कि ये काम जुडिशियरी को ही करना है। तो होता क्या है देखो, अगर लेजिस्लेचर जो है जिसका काम है लॉ बनाना, अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो कहीं ना कहीं ये रीजन होगा कि अच्छा कि इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है उस लॉ को बनाने का जो वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, तो मतलब कि वो हिडन एजेंडा हो सकता है कि रेस्ट्रिक्ट करना है फंडामेंटल राइट को, उसकी अवेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करना है, रिड्यूस करना है फॉर सिटीजंस, है या नहीं। तो अब ये काम कौन करेगा, तो ये अज्यूम किया जाता है कि अच्छा ये जुडिशियरी का ही फंक्शन है ना, बिकॉज जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। हाँ।
तो इसीलिए कैटेगरिकली मेंशन नहीं है, लेकिन ये इस वजह से एज्यूम किया जा जाता है कि हाँ जुडिशियरी का ही फंक्शन है, बिकॉज दे आर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। तो अब देखो, अब दूसरा चीज आ गया, अब जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि लॉ जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर जो लॉ वर्ड यूज हुआ है तो उसको क्या समझा जाए, क्योंकि लॉ भी दो तरह से कैटेगराइज हो सकता है, एक ऑर्डिनरी लॉ या फिर स्टैट्यूटरी लॉ जिसको लेजिस्लेचर पास करती है, दूसरा है वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, समझे। तो अब ये ऑर्डिनरी और स्टेचर लॉ में को बता रहा है 13 सब क्लॉज 2, या फिर वो इंक्लूड कर रहा है इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी। तो अगर हम लोग लॉ वाले डिफिनेशन में अगर बस इस वाले कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे, ठीक ना, ऑर्डिनरी और स्टेटूटरी लॉ, तो वो नैरो इंटरप्रिटेशन है लॉ के इस वर्ड को का, समझे। और ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होगा अगर इन दोनों को ही अगर हम लोग लॉ वाले कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का, तो वो वाइडर इंटरप्रिटेशन होगा, समझे। कोई डाउट अभी तक? तो अब देखो, अगर हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के अंदर अगर मतलब लॉ के अंदर इसको भी इंक्लूड करेंगे, समझे, तो इसका मतलब कि इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट ला के उसको चेंज करने की कोशिश करेगा पार्लियामेंट, और अगर हम लोग नैरो इंटरप्रिटेशन ले रहे होंगे लॉ के वर्ड का, तो उसमें फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा अपेक्स कोर्ट, मतलब जुडिशियरी जो है। लेकिन अगर हम लोग वाइडर इंटरप्रिटेशन लेंगे और उसके वाइडर इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल है, और तुम्हारा जो पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ लाया जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहा है, तो वाइडर इंटरप्रिटेशन के तहत फिर जुडिशियरी उसका रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू, समझे। कोई डाउट अभी तक? नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि जो एपेक्स कोर्ट का क्या पोजीशन है इस रिगार्ड में, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट जो जो आगे बहुत काम देगा, समझ रहे हो ना, कि दोबारा रिपीट करें। रिपीट कीजिए भैया अभी तो। तो जो लॉ है, ठीक ना, सब क्लॉज आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में है ना, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ये स्टेटमेंट है ना। तो अब इस लॉ के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करें, लॉ दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी और स्टेटूटरी लॉ जो पार्लियामेंट पास करता है, ठीक, दूसरा भी पार्लियामेंट पास करता है लेकिन उसका इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, समझे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में ला सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। तो अब जो है दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस वर्ड का, लॉ वाले वर्ड जो मेंशनड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें हम लोग बस ये ऑर्डिनरी और स्टेटूटरी लॉ को इंक्लूड करेंगे, समझे। तो इसको इसलिए इसको नैरो इंटरप्रिटेशन कहते हैं क्योंकि अगर हम लोग नैरो नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे इस वर्ड का लॉ का, तो बस जो ऑर्डिनरी लॉ है उसका ही जुडिशियल रिव्यू कर पाएगा जुडिशियरी। अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास किया जिसके तहत वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहा हो, तो फिर उसको उसका रिव्यू नहीं कर पाएगा जुडिशियरी, समझे। इसमें कोई डाउट? हेलो, हाँ। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों ही लॉ को इंक्लूड करेंगे, ऑर्डिनरी और स्टैट्यूटरी लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को, तो वो एक वाइडर इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसके उसके बाद फिर जुडिशियरी इस ऑर्डिनरी और स्टेटूटरी लॉ को तो रिव्यू कर ही सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है पार्लियामेंट किसी लॉ को पास करके, और उसके बाद अगर एपेक्स कोर्ट को लगे या फिर जुडिशियरी को लगे कि ये जो है
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर सकता है. नैरो इंटरप्रिटेशन में अमेंडमेंट वाले लॉ को वो उसका रिव्यू नहीं कर सकता है, सॉरी वाइडर इंटरप्रिटेशन में रिव्यू कर सकता है और अगर उसे लगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर सकता है. समझे? तो नैरो इंटरप्रिटेशन में पार्लियामेंट को एक पावर मिल जाएगा कि अगर वो चाहे चेंज करना फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि इंटेंशन तो एक ही है कि वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है लोगों का फंडामेंटल राइट्स को. ठीक, अगर कोई भी ऐसा लॉ वो पास करे जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है फंडामेंटल राइट्स. समझे? अफेक्ट हो रहा है इन नेगेटिव सेंस में. तो अब अगर इस वजह से ऑर्डिनरी वाले को तो रिव्यू करके वो लोग डिक्लेयर कर देंगे तो अब ये क्या करेंगे कि वो अमेंडमेंट ला देंगे और नैरो इंटरप्रिटेशन होगा तो ये अमेंडमेंट वाला जो लॉ है इसको रिव्यू नहीं कर पाएगा जुडिशरी. समझे? तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा अच्छा तब तो वाइडर इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंदर. समझे? तो अब देखते हैं कि एपेक्स कोर्ट का पोजीशन क्या है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सेड कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब इसमें सबसे पहला तुम्हारा स्टैंड जो था कोर्ट का, तुम्हारा संकरी प्रसाद केस 1961 से लेके तुम्हारा सज्जन सिंह केस 1965, इस बीच जो है ना एपेक्स कोर्ट जो है नैरो इंटरप्रिटेशन को लेके चल रहा था. समझे? नैरो इंटरप्रिटेशन फॉर दिस टर्म लॉ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर. समझे? तो अब इससे क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लॉ के स्कोप से बाहर हो गया था. तो ये कहीं ना कहीं जो है राइट दे रहा था पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें फिर जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं. उसका यूज करके पार्लियामेंट चाहता तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता था, है कि नहीं. फिर तुम्हारा 1967 में आया गोलकनाथ केस जिसमें 11 जजेस का बेंच था और वो 6-5 के मार्जिन से इसको रिवर्स कर दिया अपने अर्लियर इंटरप्रिटेशन और उसके बाद वाइडर इंटरप्रिटेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वर्ड के लिए. समझे? इससे क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो वाले लॉ भी अब आने लगा इसके अंदर, लॉ वाले कैटेगरी के अंदर आर्टिकल 13 में. समझे? अब इसके पीछे का रीजन क्या था? तो अपेक्स कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है ना उसको फंडामेंटल कहने के पीछे एक इंटेंशन है कि वो बाकी सारे लॉ से ऊपर है, बाकी सारे लॉ से अबव है. समझे? तो इसीलिए उसने कहा गोलकनाथ केस के बाद, मतलब पहले तुम्हारा जो संकरी प्रसाद से लेके सज्जन सिंह केस था उसके तहत तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल था, है ना, लेकिन गोलकनाथ केस के बाद फंडामेंटल राइट जो है अमेंडेबल नहीं हो पाया, मतलब कि वो इट इज नॉट अनअमेंडेबल. ये कोर्ट का स्टांस था. समझे? हाँ. तो अब जो है उस समय तुम्हारा अराउंड 1970s श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर और वो इमरजेंसी और ये सब का पीरियड था. तो टू गो अराउंड गोलकनाथ केस की ये वाला जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसमें चेंज, मतलब उसके अराउंड जाने के लिए तुम्हारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1971 और आर्टिकल 13 और 368 अमेंडमेंट का है, से डील करता है और आर्टिकल 13 दोनों को अमेंड किया गया और इसमें आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 लाया गया और 368 में सब क्लॉज 3. समझे? और उसमें स्टेटमेंट देखोगे अगर तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 जो है तुम्हारा स्टेट करता है कि नथिंग इन आर्टिकल 13, नथिंग में क्या हो गया, इंक्लूड लॉ भी इंक्लूड हो गया क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में इंक्लूडेड है वो वर्ड लॉ, लेकिन तो इसलिए नथिंग इन आर्टिकल 13
would apply to any amendment of constitution done under article 368. Amendment को 368 deal करता है कि नहीं? तो अगर amendment किया जाएगा तो article 13 में कुछ जो भी है, मतलब कि वो जो word law है और उसका जो wider interpretation है वो apply नहीं करेगा, समझे? तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा फिर से वापस से उस मतलब नैरो इंटरप्रिटेशन के तरफ लाने की कोशिश की गई इस वर्ड को, लॉ को, है ना? और इसको डबल है ना कि डबल प्रोटेक्शन लेयर, तो भाई इसको डबल सीमेंट करने के लिए तुम्हारा आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 3 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी यही कहा कि नथिंग इन आर्टिकल 13, मतलब कि लॉ भी इंक्लूड हो गया, साल अप्लाई टू प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब क्या हुआ? 368 का काम क्या है? इसका प्रोविजन क्या, अमेंडमेंट? इसलिए नथिंग इन आर्टिकल 13 साल अप्लाई टू प्रोविजंस मेड अंडर द आर्टिकल। तो ये कहीं ना कहीं अटेम्प्ट था डबल सिक्योर करने का, इसको नैरो इंटरप्रिटेशन, समझे? ताकि तुम्हारा जो अमेंडमेंट है वो ये हो जाए। इस चीज को चैलेंज किया गया तुम्हारा, मतलब इंडियन लीगल हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस में, केशव नंद भारतीय केस, समझे? सीएम मोदी का 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया, ऐसे कुछ करके है ना बुक का नाम। वो कभी टाइम मिलेगा पुस्तक में पढ़ना, तो उसमें केशव, या फिर ऐसे भी गूगल में केशव नंद भारतीय केस। भैया इस बार उसमें भी दिया, विजन का आर्टिकल का पहला टॉपिक यही पॉलिटिक्स। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का देखो, 1973 में केशव नंद भारती केस हुआ, ठीक ना? तो यूजुअली ये कंसर्न करता था फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, मतलब रीजन फॉर फाइलिंग दिस केस केशव नंद भारती द्वारा, क्योंकि वो प्रीस्ट थे एडनीर मठ के। लेकिन इतना कुछ इसके डिसीजंस ने इतना मतलब कुछ चेंज कर दिया कि ये वन ऑफ द फेमस केसेस में आ गया, समझे? तो यहाँ पर जो है, अब देखो तुम्हारा वो जो केस था संकरी प्रसाद से लेके सज्जन सिंह केस, उसमें पूरा का पूरा एपेक्स कोर्ट का स्टैंड था कि नैरो इंटरप्रिटेशन है ना, कि मतलब ओनली वो नॉर्मल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ विल बी इंक्लूडेड। तुम्हारा गोलकनाथ में स्टैंड था कि वाइडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, है ना? ये केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना मिडिल पाथ लिया, तो मिडिल पाथ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है अमेंड हो सकता है, समझे, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए, जो कोर प्रिंसिपल्स है ना, कोर आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी अमेंडमेंट से, समझे? अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बेसिक स्ट्रक्चर वो एलिमेंट्स है जिसके बिना अगर उसको चेंज किया गया या हटाया गया तो जो है तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अपना सोल को खो देगा, एसेंस को खो देगा। क्लियर है? तो अब क्या हो गया, अब अगर पूछा जाएगा तो क्या है ये कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल अंटिल एंड अनलेस बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, समझे? अब दूसरा चीज आया कि चलो अब ये भी हो गया कि चलो बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट डिसाइड करेगा, अपेक्स कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। तो विद टाइम जैसे जैसे मतलब देखो 1973 में आया था केशव नंद भारती केस, ये 1973 की बात है, अभी 2023 चल रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं भी तो 50 इयर्स पास ऑन हो गए। तो अब यहाँ बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे सवाल उठे होंगे कि किसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए किसको नहीं। तो विद टाइम कोर्ट ने जो है ऐड करते रहा इस लिस्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट में, कि ये जो है एलिमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आए, समझे? तो कौन कौन है? सबसे पहला ऑब्वियस बात है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ये भी ऑब्वियस है रूल ऑफ लॉ,
तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। कल को अगर ऐसा ये चीज हटा दे तो ऑब्वियस बात है पूरा का पूरा यही चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। चौथा जुडिशियल रिव्यू, फिर फेडरलिज्म, फिर सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर सोवरेनिटी, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्या तुम्हारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी जरूरी है। कल को कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म रखेंगे, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे बड़ा जो जरूरी था कि लिमिटेशन ऑन अमेंड बाइंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, सिक्सटी ठीक है। अब देखो, अब ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये लाया एपेक्स कोर्ट ने, कि चलो हाँ अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है इसके क्रिटिसिज्म्स भी होंगे, कुछ लोग इसके फेवर में भी बोलेंगे, है कि नहीं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद फंडामेंटल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद बेसिक लॉ है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। अब बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्रोविजन को लाके तो मतलब बेसिक लॉ के अंदर उससे भी बेसिक लॉ को इंप्लीमेंट किया गया, समझे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था तो उसने कभी भी ये तो नोटिफाई नहीं किया, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया, अच्छा ये जो लॉ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ नंबर 1, 2, 3 जो है वो लॉ नंबर 4, 5, 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि नहीं। उसके हाँ लिए मतलब उसके मुताबिक A to Z पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही एक बेसिक लॉ है। तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर वाले प्रोविजंस को ला के ये अटेम्प्ट किया गया है कि इस बेसिक के अंडर भी इवन और बेसिक, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए हैं उसके अंडर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज को मतलब कैटेगराइज किया गया है, समझे। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी में बांट दिया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ऐसे नहीं तो लोग क्वेश्चन मार्क करते हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ देना है। तो वही ये पहला क्रिटिसिज्म यही था कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ही नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉ कम इंपॉर्टेंट है, ये लॉ फंडामेंटल है, ये लॉ फंडामेंटल नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल है, समझे। दूसरा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करके जुडिशियरी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग का रोल कर रही है, जबकि जुडिशियरी का जॉब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, समझे। तो ये वाला जो अटेम्प्ट है कि बेसिक लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंडर मोर बेसिक लॉ को लोकेट करना है, उसके थ्रू एक तरह से रीराइटिंग का काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशियरी, समझे। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल करे, क्योंकि लॉ लाना, लॉ को इंट्रोड्यूस करना मतलब लॉ को पास करना, नया लॉ लाना, ये काम लेजिस्लेचर का है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या 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 प्रोविजंस हैं ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका रोल था कि मतलब उनका ड्यूटी था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए
और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को लाए। तो कहीं ना कहीं ये वाला रोल को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रोल थी, वो जुडिशियरी खुद करना चाह रही है, समझे, रिराइट करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये दूसरा क्रिटिसिज्म था। तो और इसी के तहत ये बोला गया कि अब देखो होता क्या है, ऑर्डिनरी लॉ के लिए तो नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए, है ना, लेकिन अगर अमेंडमेंट लाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, मतलब सॉरी, उसके लिए पार्लियामेंट क्या करती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आती है पार्लियामेंट में, तो उसको एक्ट बनने के लिए दोनों ही हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो बिल, है कि नहीं। हाँ हाँ अब देखो ये तो नॉर्मल मेजोरिटी नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी तो नहीं है, ये तो बिग नहीं मेजोरिटी है ना, परफेक्ट 2/3, मतलब समझ रहे हो, 60, मतलब सॉरी 66 नहीं, सो पॉइंट स्पेशल बोल सकते हैं, क्या स्पेशल मेजोरिटी बोल सकते इसको। स्पेशल, मतलब हाँ तो मतलब ये नॉर्मल मेजोरिटी तो नहीं है ना, थर्ड मेजोरिटी से मतलब लाना होगा, मतलब बिल पास होता है कोई भी अमेंडमेंट का बिल दोनों ही हाउस में, तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए। अब इतना कुछ होने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो अमेंडमेंट होल्ड होगा, क्यों, क्योंकि कल को उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर कैटेगराइज करके अपेक्स कोर्ट चाहे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्रक डाउन कर सकती है कि नहीं। तो हाँ ये कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी जो है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस में, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है लोकसभा में तो चलो गवर्नमेंट का मेजोरिटी होता है, राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि द पार्टी इन पावर की मेजोरिटी हो, अब वो मैनेज करके, या कभी कभी होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पार्टी की मेजोरिटी हो, तो इसलिए ये ला के कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी के अगेंस्ट में है कि नहीं। और हाँ डेमोक्रेसी का तो कहीं ना कहीं मतलब ही है कि रूल बाय मेजोरिटी, वन ऑफ द मीनिंग्स तो तुम इंटरप्रेट कर सकते हो ना डेमोक्रेसी का, रूल बाय मेजोरिटी, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट लाने के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी तो वही कहीं ना कहीं इस मेजोरिटी के वर्डिक्ट को तो ये कर रही है, क्योंकि जो मेजोरिटी है या जो पार्टी इन पावर है वो तो इलेक्शन जीत के आई है ना, लोगों का वोट लेके आई है ना, तो कहीं ना कहीं ओवरराइड कर रही है हमेशा, समझे। और लिबरल डेमोक्रेसी में हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर रहा है, और उसमें से अगर एक वर्ड में जुडिशियरी के रोल को तो मतलब अगर बताया जाएगा तो वो है टू काउंटर मेजोरिटेरियन रोल, है कि नहीं, कि जो पार्टी मेजोरिटी लेके आई है वो एक एब्सोल्यूटिज्म अटेन ना कर ले, उसको काउंटर करना बोल सकते हो ना जुडिशियरी का सेपरेशन ऑफ पावर में रोल, है ना, ताकि कोई भी आर्बिट्री लॉ ना पास कर दिया जाए, क्योंकि देखो क्या होगा, पार्टी अगर कंप्लीट मेजोरिटी में है ठीक, तो वो वही करना हाँ चाहेगी, जो भी वो करना चाहेगी वो तो लोकसभा में तो आराम से पास हो जाएगा, और राज्यसभा में अगर वो मेजोरिटी में है तो ऑब्वियसली वहां पास हो जाएगा, नहीं भी है मान लो तो मैनेज वैनेज करके हो सकता है पास करवा ले, है ना। उसके बाद अगर वो तुम्हारा, चलो प्रेशर ग्रुप से, जैसे फार्म लॉ के साथ हुआ था कि वो पार्लियामेंट में पास हो गई थी, लेजिस्लेचर में पास हो गया था वो, लेकिन फिर तुम्हारा फार्मर्स प्रोटेस्ट होने लगा, तो सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप मान लो ठीक है, उसके बाद काफी हद तक पंजाब में इलेक्शन भी होने वाला था तो विड्रॉ किया गया उस एक्ट को, फार्म लॉ को विड्रॉ किया गया, लेकिन मान लो वैसा कुछ भी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट में पास करवा देती गवर्नमेंट, तुम्हारा प्रेशर ग्रुप सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट पे, तब तो कोई भी आर्बिट्री लॉ ऐसे ही पास हो जाता है कि नहीं, जो कहीं ना कहीं वायलेट करता राइट्स को। तो ऐसे में तो जरूरत है ना कि इस मेजोरिटेरियन को काउंटर करे कोई, जो काम जुडिशियरी का है कि नहीं। अगर सोलली मेजोरिटी रूल पे लॉ मेकिंग प्रोसेस हो तो आज ऐसा होगा कि चलो गवर्नमेंट को तो पता ही होता है ना कि अच्छा मेरा मेजोरिटी सपोर्टर जो है वो इस क्लास से, इस कास्ट से, या इस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो हमेशा उस कैटेगरी, मतलब उस जो ग्रुप है उसको अपीज करना चाहेगी। अब अगर ऐसा होने लगा कि जो भी रूल है या जो भी तुम्हारा मतलब मेजोरिटी है
उनका जो चॉइस है उसके तहत गवर्नमेंट लॉ बनाने लगे, उसके तहत गवर्नमेंट बिल्स लाने लगे, एक्ट इंट्रोड्यूस कर एक्ट बनाने लगे, तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लोगों का डिमांड एक ही रहेगा। आज ये है, कल को हो सकता है वो डिमांड दूसरा कुछ हो जाए, है कि नहीं? तो आज जो मेजोरिटी है वो अगर ये डिजायर कर रही है और उसको ध्यान में रखते हुए कोई लॉ लाया गया या कोई अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लो कि दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो रिजर्वेशन से बेनिफिट ले रहे हैं और एक जिनको लगता है कि रिजर्वेशन इज मतलब नहीं होना चाहिए, और ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट आई और इनको अपीज करने के लिए गवर्नमेंट उसको हटा दे, ये तो इनके साथ गलत भी हुआ। कल को हो सकता है इनके मेजर इनके सपोर्ट से कोई गवर्नमेंट आए, तब क्या होगा? तब फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये तो एक तरह से गेम बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो मेजोरिटी के मुताबिक अगर हमेशा हो तो बहुत ज्यादा केओस भी हो सकता है, क्योंकि कोई पब्लिक ओपिनियन जो है हमेशा फ्लूइड रहता है कि नहीं? तो इसलिए जरूरी है कि कोर्ट जो है, बाकी सारा जितना भी क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं तुम वैलिडेट कर सकते हो, पर ये वाला क्रिटिसिज्म कि जो है मेजोरिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोर्ट जा रही है और फिर ये गलत है, दैट कैन नॉट बी वैलिडेटेड, क्योंकि जरूरी है कि कोई एक बॉडी काउंटर मेजोरिटेरियन रोल प्ले करे, समझे? कोई डाउट? तीसरा, उसके बाद चौथा जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म है कि 13 बेंच का जज था, मतलब 13 जज के बेंच थी और बहुत ही नैरो मार्जिन, मतलब 7-6 से ये डिसीजन लिया गया जो फंडामेंटल रिविजन है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो 8-4 होता, 10-3 रहता, तो कहीं ना कहीं लगता हाँ चलो मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया, लेकिन ये तो बहुत नैरो मेजोरिटी है ना, 7-6, मतलब ये 6 वाले अगर इनमें से किसी एक जज को इन्फ्लुएंस कर देते तो फिर ये खत्म हो जाता, बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस ही नहीं आता, है कि नहीं? तो वही बात है कि ये डिसीजन नैरो मार्जिन से है, ये क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा दूसरा क्रिटिसिज्म है कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है बेसिक फीचर में, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में, इसका कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, इसका कोई रूल्स ले डाउन नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट पे बेस्ड है, इसका एपेक्स कोर्ट का है ना। आज के डेट में बेंच बोले कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, कल को कोई और बेंच आए जो इससे ज्यादा, मतलब मान लो 13 जज बेंच है तो 14-15 या जैसे भी जितने भी, मतलब इससे ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूट करना, अगर कोई चेंज ओवरटर्न करना है प्रीवियस जजमेंट को, तो जरूरी है कि बेंच जो है पिछले वाले से लार्जर रहे वो बेंच, ठीक ना? तो अगर कोई बेंच आए और वो बोले कि ये सब आज बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो आ जाएगा, कल को बोलेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है तो वो हट जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर में, है ना? तो ये क्रिटिसिज्म है, ये पूरा का पूरा जजेस के सब्जेक्टिव असेसमेंट पे बेस्ड है, समझे? और ये वेरी कर सकता पर्सन टू पर्सन ओवर टाइम, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन सेटअप रहता, सेट किया हुआ रहता कि ये चीज ध्यान में रखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, तो फिर कोई भी पर्सन आए उसको वो रूल फॉलो करना पड़ता, समझे? लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो बेंच डिसाइड करेगी और जिसके लोग वेरी कर सकते, आज हो सकता कोई 4 लोग हो, कल को कोई डिफरेंट 5 लोग बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो चीज तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, है ना? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। हालांकि आज तक इस क्रिटिसिज्म का मतलब रिस्पॉन्स ये है कि आज तक मतलब रिस्पॉन्सिबली जजेज ने या फिर जो बेंच है उन्होंने रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए अपना ड्यूटी को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लॉ को वो स्ट्रक डाउन कर ले, क्योंकि उनको भी पता है कि पार्लियामेंट का हर लॉ को अगर हम स्ट्रक डाउन करते रहे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बुरा है, सिटीजन्स के साथ बुरा है, गवर्नेंस कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब गवर्नेंस के साथ कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है, समझे? तो इसलिए इस चीज का, ये वाला जो लास्ट क्रिटिसिज्म था, इसका रिस्पॉन्स यू कैन से कि अभी तक कोर्ट ने दे हैव वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीड ऑन देयर ड्यूटी, और ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने परफॉर्म किया है और अब्यूज नहीं किया अपने पावर को। जैसे कि तुम्हारा, हम लोग जब एंटी डिफेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक, तो वोटिंग राइट वाला था पार्लियामेंटरियंस का, है कि नहीं? कि जो विप बोलेगा कि पार्टी का ये स्टैंड है, तो हर एमपी,
हर एमपी या हर एमएलए को वो स्टैंड को फॉलो करना होगा किसी भी बिल या फिर बिल में वोट करने के लिए, है कि नहीं? और वो उसके अगेंस्ट गए तो मतलब उन पे एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा। तो अब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि यहाँ पर तो भाई जो बेसिक है कि अपना जो अपना स्टैंड जो है वो लोग नहीं ले सकते, अगर वो उनको अगेंस्ट भी जाना है तो वो नहीं जा सकते, उनको विप को फॉलो करना होगा, पार्टी के स्टैंड को फॉलो करना होगा, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये जो वोटिंग वाला है इसको इंक्लूड करना चाहे बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन कोर्ट ने नहीं किया। और उसका रीजन हम एंटी डिफेक्शन में बताए थे कि पार्टी आखिर किसी पार्टी का स्टैंड यू आर, मतलब तुम उस पार्टी के ये को लेके आया हो, तुम्हें फॉलो करना होगा कहीं ना कहीं। अब जहां पर जरूरी है इंडिविजुअल का डिस्क्रिशन, जैसे प्रेसिडेंट के लिए वोट करने पे करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पे वोट करने के लिए, तो वहां पर इंडिविजुअल वोटिंग राइट के तहत यू आर फ्री टू टेक एनी स्टैंड, टू चूज एनी पर्सन, है कि नहीं? वहां पर कोर्ट 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 पे प्रेशर भी आया लोगों का, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, वी वोंट इंक्लूड इन बेसिक स्ट्रक्चर। वहां पर उन्होंने अपना डिसीजन लिया, है ना? तो ये एक हाँ पॉइंट है सपोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर का, जो भी बोले। दूसरे दूसरे पॉइंट्स क्या है कि अब देखो, डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम पढ़ाए हैं, और उसमें एक वर्ड बोले थे, मतलब एक सेंटेंस था, फ्रेज जो था, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एबहॉर्स एब्सोल्यूटिज्म, है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर जितने भी ये थे उनका काम था कि एब्सोल्यूट होने से बचाना किसी भी ऑर्गेन को, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर का कोई जगह ही नहीं है। अब इसीलिए पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट होगा तब तो वो बाई विश कुछ भी करेंगे, पॉपुलर ओपिनियन, वोट बैंक अपीजमेंट, ये सब के लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा अमेंड करते रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ये लिमिटेशन जरूरी है बेसिक स्ट्रक्चर का। ये तो पहला हो गया सपोर्ट में। दूसरा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसका क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ही है कि वो एलिमेंट्स जिससे सोल जो है, जो तुम्हारा एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लूज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? उसको अगर हटा दिया गया तो वो जो सोल है, वो जो एसेंस है, वो लूज हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहीं ना हाँ कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो हेल्प करता है इस कोर वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, है ना? और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बस वही है कि पॉपुलर ओपिनियन तो हमें सब चेंज होते रह सकता है, फ्लूइड है वो। ऐसा हो सकता है कि कंट्री आज ये चाहता है, कल को वो चीज ना चाहे, कुछ और चाहे, तो उसके मुताबिक अगर चेंज होते रहेगा तब तो हमेशा रिड्राफ्ट और ड्राफ्ट होते रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ऐसे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं करता, या बहुत टाइम लग गया उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, है ना? हाँ और दूसरा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये मेक श्योर करती है कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन रीड्राफ्ट नहीं कर सकती है, समझे? अगर वो एब्सोल्यूट पावर आ गया पार्लियामेंट के पास, तो वो चाहे तो हर एक प्रोविजन को चेंज करके एक नया प्रोविजन ला सकती है कि नहीं? अमेंडमेंट के नाम पे कर सकती है ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये कि जो है पार्लियामेंट जो है, मतलब अमेंड तो कर सके लेकिन रीड्राफ्ट नहीं कर सके, समझे? अब तीसरा है जो वही जो बुक बोले थे हम, जिया मोदी का, उसी बुक में मेंशन करंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो मेक श्योर करता है या फिर इम्पोर्टेंस देता है अनसर्टेन डेमोक्रेसी को, मतलब सर्टेन टायरनी से ही करने के लिए, क्योंकि अगर ये पावर मिल गया और कोई भी चेक नहीं हो तो बताइए कि वो कुछ भी चेंजेस ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी चेंज आएगा तो ऑब्वियस बात है वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बन जाएगी, एब्सोल्यूट पावर रखने की कोशिश करेगा, फ्यूचर में टायरनी के फॉर्म में आ जाएगी, है ना? चाइना जैसा देश कहने को तो खुद को डेमोक्रेटिक सेटअप और ये सारे बोलते हैं, लेकिन वहां तो एक अपोजिशन पार्टी भी नहीं है। वहां का जो हेड है वो खुद को खुद ही डिटरमाइन कर सकता है कि हम इतने दिन तक हम ही रहेंगे, है कि नहीं? तो जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रिविलेज है वो इम्पोर्टेंस देती है अनसर्टेन डेमोक्रेसी को सर्टेन टायरनी के ऊपर, समझे? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रेमवर्क इसी चीज पे बेस्ड है, सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी, समझे? सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ड्यूटी यही है कि इंश्योर करना
इंडिया एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी रहे, समझे? अब कोई भी प्रोविजन है ठीक ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो इसी चीज के तरफ भी काम करता है और फर्दर स्ट्रेंथन करता है कि नहीं। मान लो ये है बेसिक स्ट्रक्चर का बॉक्स है कि ये प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, कोर्ट को लगे कि ये वाला चीज है ये डिटरमाइन मतलब इस चीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है, इसको अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए इस चीज का, वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रख दे, तो वो ये वाली चीज को तो और स्ट्रेंथन कर रहा है ना सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी को अटेन करने का, है कि नहीं? तो ये जो है तुम्हारा सपोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स। अब जो है चलो ये इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था या इंडियन सेटअप का था, लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं नोट्स में भी प्रोवाइड किया, जैसे बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट 1989 में केशवनंद भारती के जजमेंट को कोट करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया, फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में ज्यूरिसप्रूडेंस में आया ना ये चीज। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का वाला डॉक्ट्रिन को लागू किया, केशवनंद भारती को युगांडा ने भी रेफर किया था 2019 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था उसको हटाने के लिए या फिर उसको एडजुबिकेट करने के लिए। जर्मनी में तुम्हारा आर्टिकल 79 है जो डायरेक्टली तो नहीं करता है लेकिन वो बात करता है अमेंडमेंट प्रोसीड्योर्स का, प्रोविजन करता है कि अगर कोई भी प्रोविजन है मतलब कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडेबल नहीं है, ये चीज बताता है वो आर्टिकल 79। तो कहीं ना कहीं वो कोडिफाई करता है ना बेसिक स्ट्रक्चर। इन क्या है बेसिक स्ट्रक्चर अगर ऐसे इन वन टर्म देखोगे तो वो तो चलो ठीक है, वो एलिमेंट्स हैं जो एसेंस ऑफ सोल को मेंटेन करते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए मतलब क्या, अमेंड नहीं होना चाहिए मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो उन एलिमेंट्स को लिस्ट करती है जो अनअमेंडेबल है ना। और यही चीज जर्मनी का आर्टिकल 79 भी तो बताती है कि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का अनअमेंडेबल है या नहीं। हाँ